जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 संघर्ष करो। मेरा नाम सुनील कुमार भसीन, मंडल अध्यक्ष मिनिस्टर एसोसिएशन। और ये क्योंकि हड़ताल हमारी कल और आज दोनों दिन की थी, 8 और 9 की, सरकार ने अपनी गलत नीतियों का इस्तेमाल करके हमारी जो पेंशन मिलती थी वो उसको समाप्त कर दिया गया था। उस पेंशन के लिए ही हमारी ये मुख्य मांग है हमारी कि रिटायरमेंट के बाद आदमी इतने साल नौकरी कर परंतु ना तो उसको कोई प्राइवेट नौकरी मिलती है ना ही उसको सरकारी नौकरी मिलती है, तो उसके अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। तो बहुत बड़ी हमारी को मांग नहीं है, केवल यही है हमारी पुरानी जो पेंशन मिलती थी उसको बहाल कर दिया जाए। मैं अभिषेक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष PWD बरेली। साथियों, सरकार से हमारी बस एक यही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन चालू करी जाए। नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं। जब हमारे सांसद माननीय विधायक संसद में कोई कानून पास करते हैं उसमें पास करते हैं कि पेंशन कर्मचारियों की बंद करी जाए, तो सांसद और विधायकों की क्यों नहीं? नियम कानून उन पर भी लागू होते हैं। हमारा इस चीज़ पर सरकार से पुरजोर विरोध है। जब तक हमारी पेंशन चालू नहीं होगी तब तक हम लोग सरकार के विरोध में रहेंगे, चाहे कोई सरकार आए, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, हर हालत में चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन ही हमारा अधिकार है। मैं ओरिएंटल बैंक से अरुण कुमार हूँ। हम लोगों का सभी साथियों से कहना है कि आज की जो स्ट्राइक है हमारी, कल की 2 दिन की स्ट्राइक हुई है, इसको सफल बनाने के लिए मोदी जी ने जो भी कुछ किया है बहुत गलत किया है। इन्होंने अगर NPS की योजना इतनी अच्छी है तो उस NPS को अपने नेताओं पर क्यों नहीं लागू करते? अगर एक दिन भी विधायक बन जाता है तो वो पेंशन का हकदार है, और जो इस देश के लिए 20 साल से सेवा दे रहा है क्या वो इस हकदार नहीं है? वैसे मोदी जी कहते हैं हमने सबको एक डोर में बांध रखा है, फिर एक डोर में कहाँ बांध रखा है? आप एक तरफ अपनी जितने भी आपके नेतागण हैं उन सब के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, और वर्कमैन के लिए हमारे मजदूर जन भाइयों के लिए आप उनका अहद कर रहे हैं कि नीतियाँ मोदी जी नहीं चलेंगी, हम आज के खिलाफ हैं। हमारा प्रदर्शन आज भी जारी था, कल भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मोदी जी, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने तो एक बार कह दिया कि मेरा क्या है, मैं तो डंडा झंडा लेकर निकल जाऊंगा, ना तो आपका कुछ है। ये पैसा हमारी इस जनता का है, हमारे कस्टमर का है, बैंक कर्मचारियों का है। हम आपसे आह्वान करते हैं मोदी जी, सुधर जाइए, नहीं तो 2018 के बाद, अब ये 2019 के चुनाव में आपको दोबारा आने नहीं देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इंकलाब जिंदाबाद। हमारा काम सिर्फ आंदोलनों से जुड़ कर रहना है, सिर्फ अपने आंदोलनों में शिरकत करनी है, भागीदारी करनी है। AIA की कॉल्स को, MPLF की कॉल्स को शत प्रतिशत लागू करना है, शत प्रतिशत साथियों। मोदी की नस नस को हिलाना एक भूचाल, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल हमारी, जारी है हड़ताल। इति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निजीकरण बंद करो। ये ताना शाही बंद करो।